बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 9:30 एंड अभी मैं हूँ फ्री। मैं उठ गया था लगभग 7:30 बजे, तो 7:30 बजे उठ के बस मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुआ, और बस उतनी देर में मम्मा आ गई, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करवा दी। तो अभी मैं फ्री हूँ। अभी वैसे मैं नहाया नहीं हूँ, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। बाकी आज गाइस आना है पापा ने, पापा पहुँचेंगे शाम तक। कल से वो चले हुए हैं नागपुर से, तो आ जाएंगे वो, तो मज़ा आएगा। एंड दादी जी भी आ रही हैं गाँव से, उनको भी मिलना था पापा से, तो वो भी आ रहे हैं। बाकी अभी मैं बस बैठा था, थोड़े मैंने सोचा कि एक तो एडिटिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि कल वाला व्लॉग का पेंडिंग पड़ा है एडिटिंग, बाकी वो करते हैं और उसके बाद फिर बैठते थोड़ा। ये देखो, ये थोड़े बहुत मेरे पास ये क्यूज़ वगैरह पड़े थे, तो इनको देखता हूँ, इनका खोल वगैरह के देखते हैं। और ये देखो गधा अभी उठा है। फिलहाल मुझे मम्मा ने ला के दिया बनाना शेक, तो बनाना शेक पीते हैं। और अभी तो वैसे मैं फ्री बैठा हूँ, तो अभी मैंने सोचा बस थोड़े बहुत ये क्यूब वगैरह सॉल्व करते हैं। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं जो ये कार है ना, ये बहुत पुरानी कार है गाइस, ये हमने ली थी आई थिंक इसको 2 या 3 साल तो हो ही चुके हैं, और मेरा मन कर रहा है कि इसको खोल के देखते हैं कार के अंदर से एक बार। ट्राई तो करने में क्या है, पर देखते हैं। पर ये नहीं पता मेरे से जुड़ेगी भी नहीं, पर चलो देखते हैं, पर खोल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। बाकी ये वही वाली कार है, वो जो मतलब पीछे करो और चलती है बस। तो देखते हैं इसको खोल के, पहले बनाना शेक पी लेते हैं गाइस। फिलहाल बनाना शेक वगैरह पी लिया एंड एडिटिंग भी कर ली थी मैंने, ब्लॉग को भी पब्लिक कर दिया। बस अब बैठते हैं इस काम पे, इस कार को खोलते हैं। बाकी यहाँ पर टूल्स वगैरह ले आया था मैं, एंड यहाँ पर अरमान, यहाँ पर इसने ट्राइपॉड ये रख दिया है खोल के। यहाँ पर अभी मतलब कैमरे को रख दूंगा मैं। बाकी बस इसको एक बार खोल के देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखा इसको, अरमान ने शायद खोला था, और इसलिए इसका ना पीछे वाला जो नट है वो है नहीं इसमें, या फिर ये टूट गया था। ये टूट रहा था, गुम गया था इससे, मुझे लगा तूने खोल के देखी हुई है पहले। तो एक बार मैं इसको खोल के देखता हूँ और इसको इसके पुर्जे अलग करते हैं। अब अभी फ़िलहाल हो गया कैमरा वगैरह सेटअप, एंड अब इसको करते हैं हम अनबॉक्स। पहले सारे औजार वगैरह निकाल लेते हैं, अनबॉक्सिंग सॉरी, खोलते हैं कार को। बाकी जो कुछ लगेगा वो ले लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो स्क्रू है, ये देखो ये वाला तो निकला ही हुआ है, बाकी बस ये वाला खोलना है, तो इसको खोलते हैं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to... भाई तो भाई ये देखो, अभी मैंने इसको कर दिया अलग, ये देखो क्या निकला। लैम्बोर्गिनी में ये क्या है देखो, अंदर से क्या है, बस आगे पीछे टायर है, बाकी यहाँ पर सीट वगैरह है, सीट भी निकल गई। दिखाता हूँ आपको, यूँ करते हैं इसको ना साफ करेंगे अंदर से। एक मैं अरमान से ब्रश मंगवा लेता हूँ, एक जो इसकी अपनी, अच्छा इसमें ये भी अटैच्ड है। तो गाइस ये जो ऊपर का ये जो इसकी मतलब ये कैप है मतलब कार का, ये मतलब जो बॉडी है, तो यहाँ पर ये विंडशील्ड लगी हुई है, इसको भी एक बार खोलता हूँ मैं। The past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? तो गाइस अभी फिलहाल जो मैंने स्क्रूज खोले थे वो थे इनके डोर्स के, लैम्बोर्गिनी के डोर्स देख लो। ये डोर्स के स्क्रूज थे, अच्छा विंडशील्ड का अलग से है। Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. अभी फिलहाल मैंने स्टीयरिंग वगैरह भी निकाल दिया, ये देखो ये आगे स्टीयरिंग और आगे का डैशबोर्ड वगैरह, बस ये था बॉडी में इसके अंदर। देखो खाली है, बस पूरी खाली है। वो मैं मुझे लगा विंडशील्ड भी निकलेगी, पर ये जस्ट वो था मतलब अकेला डैशबोर्ड निकला इसका, मुझे लगा था कि विंडशील्ड भी साथ में निकलेगी। और गाइस जो इसका ये है इसकी, हाँ ये नहीं, ये देखो जो इसके बैक टायर्स की वो जो मशीन होती है जो इसको पीछे करने में फिर आगे लेके जाती है ना, वो ये है, ये जस्ट इस पर फिट था, इसमें फिट था, और ये आगे वाला वो है, ये देखो इसे क्यों फेंक के गया। और ये आगे वाले टायर्स हैं, बस यही है। बाकी इसको अपने फिक्स लगा देता हूँ, एक बार ना इसको साफ़ कर देते हैं। ये है मेरे पास छोटा सा ब्रश, इससे मैं फोन की स्पीकर साफ करता हूँ।
ये फिलहाल कर दिया मैंने अंदर से साफ, ये देखो अब पूरी मिट्टी निकल गई इसकी। I try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe, there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. तो भाई साहब अभी फिलहाल कर दिया सब कुछ, फिर देखो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगा, होगा जा रही है, सही है, सही चल रही है। ये लो भाई मिशन कर दिया कंप्लीट, खोलने वगैरह मतलब मुझे तो वही तसल्ली करनी थी बस एक बार खोलने वगैरह की। देखो डोर्स वगैरह सही खुल रहे हैं, पहले डोर इसके अटक रहे थे, अब थोड़ी बहुत मैंने मिट्टी वगैरह भी बाहर निकाल दी इसकी। तो भाई अभी फिलहाल इन औजारों को रखते हैं अंदर, अब करते हैं चलो ये क्यूब सॉल्व कर लेते हैं और विजय वर्मा सॉल्व करके चले गया। अभी फिलहाल ये तीनों क्यूब स्क्रैम्बल्ड हैं एंड अब इनको करते हैं सॉल्व, बाकी अब ये सारा सामान एक बार साइड कर देते हैं। चलो 3x3 से स्टार्ट करते हैं। Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया सॉल्व पूरा। अब करते हैं टू बाय टू। There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic. तो भाई देखो तीनों क्यूब्स पे डिजाइन है, इसका अलग है 3x3 का, सब पे अलग अलग डॉट्स वगैरह मतलब देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के, एंड ऊपर से और नीचे से सॉल्व्ड है, बाकी साइड साइड से ये चेक है, एंड 3x3 में ये हेडलाइट्स, इनको हेडलाइट्स कहते हैं, मतलब नीचे से सॉल्व्ड है देखो, बाकी सारा सॉल्व्ड है, बस ये ब्लू रेड और येलो, बस ये तीन कलर्स की हेडलाइट्स हैं। तो अभी फिलहाल आ चुका है ब्रेकफास्ट, तो अभी दोपहर के देखो 12 बजे और मैं अब जाके ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, पनीर है और रोटी है, बस खाते हैं इसको जल्दी से, बाकी मेरे से वेट नहीं हो रहा, पापा आएंगे जल्दी, पापा शाम तक पहुँचेंगे, अभी 12:30 हो रहे हैं, आगे का सीन देखेंगे क्या करना है। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके आगे देखते हैं क्या करना है। तो भाई अभी फ़िलहाल मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट एंड अभी मैं देख रहा था कि अभी तक देखो बारिश रुकी नहीं है, मतलब टाइम कितना ज़्यादा हो चुका है, दोपहर हो चुकी है, फिर भी मतलब दोपहर का तो नामो निशान ही नहीं है, मतलब सूरज तो कहाँ ही दिखेगा, बारिश ही सुबह से यूँ लगा लो 4:30 बजे से बढ़ रही है और 12 तक बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं, दिखाता हूँ देखो आपको, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखो रुकी नहीं रही है बारिश, यहाँ पर देख लो पूरा मतलब ये बाहर का जो वरांडा का सारा गीला हो रखा है, और अब आपको फ्रंट वाली गैलरी दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर तो कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं, यहाँ पर ही पानी हो रहा है पर थोड़ा थोड़ा, बाकी ये देखो रोड वगैरह सब भर गई, वहाँ पर आगे देखो भाई भर गई वहाँ पर रोड, बस रोड गीली हो रही है। बताओ फिलहाल क्या कर सकते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहा के आ जाता हूँ इतनी देर में, पर नहा के भी क्या करूँगा अभी। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने फ्रिज चेक किया और यहाँ से मैंने करा तो भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस वजह से निकली है मिष्टी दही, तो ये खाता हूँ मैं, मेरी फेवरेट दही है ये वाली, ये दियो स्पून दे छोटा वाला, ये देख लो हो गया खत्म, छोटे स्पून खत्म भाई, रैपर तो निकाल दे अंदर से देखो,
ये छोटे स्पून का रैपर उसके अंदर ही फेंक रखा है, फिर भी इसने कर खत्म है तो उसके अंदर की फेंक रहे हैं बस, कोई बात नहीं। चल तो गाइस अभी फिलहाल खाते मिष्टी दही। गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ कार में और अभी मैं जा रहा हूँ मेड जो आंटी हैं उनको छोड़ने के लिए, उनका घर पास में ही है, बारिश बहुत तेज हो रही है इससे, तो मैंने सोचा चलो कार में छोड़ के। अभी मैं पहुंचा था घर पे, ऊपर से अभी जस्ट मैं बुलेट की चाबी लाया हूँ, बस एक बार मैं ना बुलेट को साफ कर देता हूँ क्योंकि अब पापा को गंदा बुलेट थोड़ा दिखाएंगे, तो बुलेट को जाके करते हैं अभी साफ। अभी फिलहाल सब कुछ बुलेट और स्कूटी तो की नहीं, अभी मैंने साफ बुलेट वगैरह हो गया साफ और इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया है, देखो रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग दी हुई है, अच्छा लगा मुझे कवर, फर्स्ट टाइम कवर चढ़ाया मैंने बुलेट पे, तो अब जब पापा आएंगे तो इसी को कवर को मतलब खोलेंगे। और बाकी गाइस बारिश रुक चुकी है, सही हो गया मौसम, मतलब ठंडा ठंडा है अभी, पता नहीं लग रहा, अब यूँ ही लग रहा है कि सुबह ही, अभी मतलब 9-10 ही बजे हैं पर अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं, एंड मतलब सही है। चलो पापा उतारेंगे इस कवर को, फिर देखते हैं पापा का रिएक्शन। बाय द वे गाइस पापा आ रहे हैं लगभग 6 बजे के पास वो पहुँच जाएंगे मतलब रेलवे स्टेशन पे, तो मैं मम्मा और अरमान जाएंगे और दादी जी जाएंगे उनको कार पे लेने के लिए, कार भी भीगी पड़ी है, अब मेरा मन तो करे इसको साफ़ कर लूँ पर बाद में जा रही है तो गंदी होनी है इसने, चलो कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं। मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर बुलेट साफ़ करते, पूरा चमका दिया मैंने, पर जो थोड़ी थोड़ी अंदर की मिट्टी रहेगी वो थोड़ी थोड़ी मतलब फिर भी मैंने उस पर कपड़ा मार दिया पापा 6 बजे से शायद पहले ही आ गए, वो तो अच्छा है फिर, अगर गाइस 6 बजे से पहले आप आ गए तो और भी मज़े हैं। बाकी चलो अब ऊपर चलते हैं, मैं यहाँ पर बस ये हरमान कवर लेके आ गया था, ये कवर का भी कवर है दिखाइए इसके अंदर आया, देखो इस छोटे से के अंदर है कवर, कवर आया था देखो इतना बड़ा हो वो भी। चलो गाइस अभी चलते हैं, अभी फिलहाल मैं नहा धो के आ चुका था और अभी मम्मा ने बना के दिए हैं ये पकौड़े, तो पकौड़े खाते हैं। बाकी बस आप यूँ लगा लो अभी 3:30 ही हुए हैं लगभग, यूँ लगा लो कि आ जाएंगे पापा 6 या 6:15 या 6:30 तक, मतलब 6:30 लास्ट है, तो मतलब शायद मतलब 3 घंटे लगेंगे उनको, बस 3 घंटे रह गए फिर आ जाएंगे पापा। बाकी पहले ये खाते हैं और उतने में अभी मुझे अरमान को भी ट्यूशन पे छोड़ने जाना है, बाद में फिर पापा का टाइम हो ही जाएगा तो उनको लेने चलेंगे। फिलहाल मम्मा और मैं जा रहे हैं पापा को लेने के लिए, तो बस अभी मैं कार बाहर निकाल रहा हूँ घर से, तो फिर चलते हैं अभी, पापा 6 बजे आएंगे, तो अभी हम अभी टाइम हो रहा है 5:41 हो रहा है, तो बस हम पहुँच ही जाएंगे 15 या 10 मिनट में रेलवे स्टेशन और फिर चलते हैं पापा को लेने के लिए। अरमान को ले लिया ट्यूशन से और बाकी मैं मम्मा और अरमान अभी खड़े हैं रेलवे स्टेशन के सामने, अभी पापा आने वाले हैं उनको अभी बस 15 मिनट लग जाएंगे, अभी वो ट्रेन में ही थे हमने कॉल किया था, तो पापा कह रहे हैं कि वहीं पर मतलब खड़े हो जाओ गाड़ी में, मतलब बैठ जाओ गाड़ी में, बाकी वो आ जाते हैं अभी तो फिर उनको लेके चलते हैं। अभी फ़िलहाल घर पे पहुंच चुके हैं और पापा को ले आए हैं, मज़े आ गए उनसे मिलके। बाकी अभी अरमान कर रहे हैं उनकी मसाज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है उनके मतलब पैर वगैरह दबा रहे हैं, वो देखो दबा रहा है, पीठ दबा रहा है। एंड बाकी दादी जी और मम्मा तो बना रहे डिनर, आज डिनर में कुछ स्पेशल बनने वाला है और वो है पनीर, शाही पनीर बन रहा है आज, तो पापा को भी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी मैं बैठता हूँ एडिटिंग पे, एंड एडिट मैंने थोड़ा सुबह भी कर लिया था तो अभी मैं फिर से कर लेता हूँ और जो क्लिप्स मैंने अभी शूट की हैं तो उनको एडिट करते हैं। बाकी मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई मुझे वो टेंशन हो क्योंकि अब पापा के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, अभी लगता है कि हाँ अभी टाइम है तो अभी मैं कर लेता हूँ, फिलहाल अभी बैठते हैं एडिटिंग पे फिर। अभी फ़िलहाल हो चुका है डिनर वगैरह एंड सभी बैठ के आराम से अभी मूवी देख रहे थे, तो मूवी भी हो गई ख़त्म, अभी बज रहे हैं 9, तो बस सभी सो गए, मम्मा और पापा पीछे वाले रूम में, यहाँ पर दादी जी और मैं हैं। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। दिस इज अच्छा स्वागत साइनिंग ऑफ, बाय। एंड गाइस एक और बात, जो बुलेट का हम कवर उतारेंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में रिवील होगा, तो आपको भी मैं अच्छे से बुलेट दिखाऊंगा। Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From